हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 5.1, जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो है वो जेड के इक्वल है, और इसको हम लिखेंगे -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, और जैसा कि हमने आपने अगर मेरा ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, तो उसमें पता चलेगा आपको कि फर्स्टली हमने इसको कंपेयर करना होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, और यहां से हमें पता चलता है x की वैल्यू जो है, इससे हमें क्या देखने को मिला, वी हैव x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है ये माइनस में, तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो होगी माइनस में लेनी पड़ेगी। और आयोटा आयोटा सिमिलर है, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, x और y। ठीक है, इसके बाद हमें cos थीटा साइन थीटा, फिर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम जो है वो आर्गुमेंट मींस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें जो है मॉडुलस फाइंड करना है, तो इक्वेशन को जो है मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमें, और यहाँ पे एक और चीज है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो ये एक्स एक्सिस होती है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो वाई एक्सिस होती है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये नेगेटिव 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 एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये सारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो डाउनवर्ड होता है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की तो वैल्यूज फाइंड कर लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाली वैल्यू होती है एक्स, ठीक है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि मान लिया हमने यहाँ पे आर्गन प्लेन में जो था इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना था, और यहाँ पे हमारा कोई बन रहा था पॉइंट पी। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस था उसको हम बोलते हैं आर के बराबर। ठीक है, मीन्स उसको मॉडुलस बोला जाता है, और वो किसके बराबर होता था, जो आर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल रूट, इसके बराबर आता था। ठीक है, और इसी को ही हम मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, और मॉडुलस जैसे जेड था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस जो होगा वो ये आता है। ठीक है, तो और ये जो आर होता है ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें लेना होता है वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस जो उसको आर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम रोटेशन दें इसको, तो ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे इतना इतना, ये होता है थीटा। ठीक है, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ये हमें फाइंड करना है। और अगर आगे आगे का डिस्टेंस ये वाला देखा जाए एंगल कितना है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व करा था, एक आया था आर कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल होगा आर कॉस थीटा, जो वर्टिकल होगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि एक्स जो एक्सिस थी वो आर cos थीटा के बराबर है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है -1, तो इसको लिख सकते हैं -1 इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, और दूसरी चीज जो y पे वैल्यू है वो है y इक्वल टू r sin थीटा, तो यहां से हम इसका फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू है माइनस का रूट 3 इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल लेते हैं। ठीक है, यहां से ही हमने जो है पहले हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, यहां पे इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या करा, उसका स्क्वेयर कर दिया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जैसे इसकी है -1, तो -1 का स्क्वेयर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड था माइनस रूट 3, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में था आर कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, वन का स्क्वायर जो होता है वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर जो होगा थ्री आता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आपको पता होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन के इक्वल होता है, जहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन थी, तो हमारे पास आर स्क्वायर जो था वो थ्री प्लस वन कितना आ गया फोर आ गया। तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे स्क्वायर उस साइड जाएगा तो फोर का रूट बन जाएगा, मींस वैल्यू आ जाएगी टू। तो आर की वैल्यू टू फाइंड कर लिया हमने, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हम जो है अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अल्फा के लिए मैंने रिलेशन बताया था अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स बाई की वैल्यू ये रही माइनस का रूट थ्री अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस का वन, माइनस माइनस कर हो जाएगा, ये बचा टैन इनवर्स और रूट थ्री। टैन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, तो टैन की वैल्यू रूट थ्री जो होती है वो 60 डिग्री पे होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, या फिर टैन 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, या फिर जो है टैन 60 डिग्री जो होता है वो पाई बाई थ्री होता है। अगर रेडियन में लिखना हो तो ये लिखते हैं हम, और अगर डिग्री में लिखना हो तो ये। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट थ्री जो होगा वो tan पाई बाई थ्री जाता है, और tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहां पे हमें अभी बचा हुआ है एक चीज फाइंड करनी है हमने थीटा की वैल्यू, जिसको आर्गुमेंट बोलेंगे। मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया था ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, अभी हमारे पास हमने थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए, जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू थी वो दोनों नेगेटिव थी, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों वैल्यूज जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। ठीक है, तो एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें तो मैंने बताया था कि जो थीटा आएगा वो किसके बराबर आता है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है पाई बाई थ्री। ठीक है, और इसको लिखेंगे देखो माइनस का थ्री पाई माइनस पाई कितना मिलेगा टू पाई बाई थ्री, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का टू पाई बाई थ्री, तो थीटा आगे है टू पाई बाई थ्री, तो जो आर्ग्यूमेंट था जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा है वो आया है माइनस टू पाई बाई थ्री, और जो हमने मॉडुलस फाइंड करना था जिसको आर से रिप्रेजेंट करा था वो आया है टू के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।